To stay updated, subscribe to TJA Academy. आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई है क्या, पहले इसको देख लें। एग्रीगेट सप्लाई शोज वेरियस लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट विच द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकॉनमी आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वेरियस लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट विच द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। अब इसको समझें। देखिए, हमने क्लासिकल्स को डिस्कस किया था और क्लासिकल्स एज्यूम करते थे कि देर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये था, हम ये देख चुके हैं कि जो आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट पर प्रोड्यूस होगा उस आउटपुट को कहते हैं हम पोटेंशियल आउटपुट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, पोटेंशियल आउटपुट। आउटपुट और ये प्राइस। और हमने एक चीज़ और डिस्कस की, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें क्लासिकल्स कहते थे कि प्राइस लेवल चेंज होता है मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ाने या कम करने से, आउटपुट से प्राइस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लासिकल्स का कॉन्सेप्ट था। तो इसी वजह से जब क्लासिकल्स बात करते हैं तो क्लासिकल क्योंकि हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस करते थे तो इनका आउटपुट हमेशा ही एक ही रहता था मैक्सिमम, तो इसी वजह से इनका एग्रीगेट सप्लाई कर्व कुछ ऐसा बनेगा। यानी वो हमेशा ये लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, प्राइस जितना ज़्यादा हो कितना कम हो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स आउटपुट प्राइस लेवल से चेंज नहीं होता। प्राइस लेवल किससे चेंज होगा? मनी सप्लाई से, मनी सप्लाई से। ये क्लासिकल्स का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब केन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, केन्स ने जब इकॉनमी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उस वक्त जो टाइम चल रहा था वो डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। और डिप्रेशन के टाइम पर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्रोडक्शन बहुत सारे रिसोर्सेज आइडल थे, काम नहीं हो रहा था, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ जब चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं प्राइसेस वैसे ही अपने मिनिमम लेवल पर होंगी। जब लोगों के पास जॉब ही नहीं है तो वो वेज की कोई हाई वेज की डिमांड कर ही नहीं सकते, वो मिनिमम वेज पर तैयार होंगे भाई हमें काम दे दिया जाए। ये आज जैसे आगे अभी आप देखेंगे जिस तरह का अभी सूरत हाल है कोविड 19 का, तो इसमें भी यही सूरत हाल है कि जो लोगों के पास काम नहीं है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, उनको तो मिनिमम वेज पर भी अगर आप कोई काम करने को कहें वो तैयार हैं। तो वेज लेवल एक मिनिमम लेवल पे आके रुक गया और रिसोर्सेज इतनी आइडल थी कि आप जितना प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपको गिवन प्राइस पर मिल जाएंगे, प्राइस में इजाफा नहीं होगा। तो डिप्रेशन के केस में जब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पोटेंशियल से बहुत कम था, अगर हम सप्लाई को देखें तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। यानी आप जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लें क्योंकि इतना आइडल रिसोर्सेज मौजूद है कि उसका प्रेशर प्राइस पर नहीं आएगा, वो हॉरिजॉन्टल नजर आएगी। ये कॉन्सेप्ट किसका था? क्लासिकल्स। और ये था हमारे पास केन्स। क्लासिकल कौन से? फुल एम्प्लॉयमेंट पे था। केन्स का डिप्रेशन का केस था तो उसने इस केस को लिया। अब एक चीज को जरा देखें, ये हमारे पास किनेजियन रेंज है। शुरू में बहुत आइडल था, फिर जब बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो एक वक्त आएगा कि हमारा पास पोटेंशियल लेवल ये हमारे पास, हमने एज्यूम कर लिया ये आ जाएगा। ये भी एग्रीगेट सप्लाई है, ये भी एग्रीगेट सप्लाई है। ये किनेजियन रेंज है, ये क्लासिकल रेंज है। अच्छा, होगा क्या कि जब बहुत ज़्यादा आइडल आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त तो आउटपुट के बढ़ाने से आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपको लेबर्स अवेलेबल हैं, आपको कैपिटल अवेलेबल है, तो प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
सेम प्राइस पर बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक खास रेंज गुजरने के बाद जब आप पोटेंशियल के करीब हो रहे होंगे, तो जब पोटेंशियल के करीब हो रहे होंगे तो अब यहाँ पर ये स्टेज होगी कि अब हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं होगी। अब अगर आप किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक बात और ध्यान में रखें कि हर किसी के पास एफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते, हर किसी के पास एफिशिएंट कैपिटल नहीं होता, हर किसी के पास एफिशिएंट लेबर नहीं होता। तो जब आउटपुट पोटेंशियल लेवल पे मूव कर रहा होगा और पोटेंशियल लेवल पे मूव करते वक्त जब आप कोई इनएफिशिएंट चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप बोलेंगे अब यही अवेलेबल है यही यूज़ करना है, इसका मतलब आपकी यूनिट कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो उतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से मार्केट का प्राइस लेवल ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में कैनेडियन रेंज, उसके खास लिमिट गुजरने के बाद अगर आप आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अब प्राइस लेवल सेम नहीं रहेगी, अब प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगी कुछ ऐसे, और एक वक्त आएगा कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, पोटेंशियल लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई जिसमें हमने तीनों रेंज देखी। ये हमारे पास है कैनेडियन रेंज, ये हमारे पास है क्लासिकल रेंज, और ये हमारे पास कहलाती है इंटरमीडिएट रेंज। तो ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अगर आप डिप्रेशन के केस में भी देखें तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटरमीडिएट रेंज, उसके बाद फिर उसके बाद आ गया आपके पास क्लासिकल केस। अब यहाँ एक छोटे सा कॉन्सेप्ट और समझ लें, लॉन्ग रन का और शॉर्ट रन का। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन उस स्टेज को कहते हैं जहाँ पर सारी एडजस्टमेंट तमाम वेरिएबल्स की हो चुकी हो, अब मजीद चेंज पॉसिबल ना हो, यही इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो ये कहलाती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एडजस्टमेंट पॉसिबल है, कोई चीज़ चेंज हो सकती है, कोई चीज़ में इजाफा या कमी हो सकती है, तो वो स्टेज कौन सी कहलाएगी, शॉर्ट रन। यानी हमेशा शॉर्ट रन मूव कर रहा होगा किसकी तरफ, लॉन्ग रन की तरफ, भले शॉर्ट रन की वैल्यू इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, लॉन्ग रन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासिकल है ये आपके पास पोटेंशियल आउटपुट, तो हमेशा इकॉनमी कोशिश करती है कि कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करे, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब अगर आउटपुट इस लेवल पे होगा तब तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, लॉन्ग रन की, क्योंकि यही एडजस्टेबल आउटपुट है, और इसी कर्व को हम कहते हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि यही एडजस्टेबल आउटपुट है, एडजस्टेड आउटपुट है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस आउटपुट नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियल लेवल ही यही है, करेंगे तो वो टेम्परेरी होगा। बिल्कुल इस तरीके से कि अगर आप इस कर्व को देखें, इस कर्व को जो इंटरमीडिएट रेंज में हमने ड्रॉ किया लाइक दिस एग्रीगेट सप्लाई ऐसा, अब यहां पर देखें यहां प्राइस भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है आउटपुट के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी नजर आए कुछ चेंज होने की, 100% एडजस्टेड चीजें नई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये जो सप्लाई कर्व आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये आपके पास आ गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये आपके पास आ गया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व के शिफ्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्लासिकल रेंज है जिसे आप कह रहे हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, या आपके पास कैनेडियन रेंज या इंटरमीडिएट रेंज आप कह लें, कैनेडियन तो डिप्रेशन का केस है, ये इंटरमीडिएट रेंज कह लें। तो देखिए एक बात ध्यान में रखें, ये आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें देख चुके होंगे कि अगर ये डिमांड कर्व है आपके पास, अगर प्राइस की वजह से इसमें चेंज आता है ना तो एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है, और अगर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से इसमें चेंज आता है तो कर्व शिफ्ट हो जाता है। यही फिनोमेना यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें क्लासिकल्स तो कहते हैं कि प्राइस आउटपुट का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, एक गिवन प्राइस होती है, प्राइस का बढ़ना या कम होना क्वांटिटी ऑफ मनी पर डिपेंड करता है, जो हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में देख चुके हैं। तो लॉन्ग रन सप्लाई कब शिफ्ट होगा, अगर यूँ हो गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, तो याद रखिएगा बच्चों लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के शिफ्ट होने के तीन फैक्टर्स हैं। नंबर वन, लेबर फोर्स अगर बढ़ जाए, अगर लेबर फोर्स बढ़ जाए। नंबर टू, कैपिटल स्टॉक हम देख चुके हैं जो केन्स के मॉडल हमने पढ़ा था,
कैपिटल स्टॉक में अगर इजाफा हो जाए तो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई आपका पोटेंशियल लेवल बढ़ जाएगा, लेबर फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो आपका पोटेंशियल लेवल बढ़ जाएगा, एंड नंबर थ्री टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो आपका पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होता है। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस, इनके अलावा जो फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस, अच्छा ये चेंज होंगे तो ये शॉर्ट टर्म भी चेंज हो जाएगा, लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर लॉन्ग रन चेंज होता है तो शॉर्ट टर्म अपनी जगह पे नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म भी शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के चेंज करने के इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस को अगर आप छोड़ दें तो जो इनपुट प्राइसेस हैं, इनपुट प्राइसेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें शिफ्ट हो जाए, वेजेस हो गए, वेजेस शिफ्ट हो गए, प्राइसेस अपनी जगह रहेंगे, वेजेस शिफ्ट हो गए, वेजेस बढ़ गए तो ये कम हो जाएगा, वेजेस कम हो गए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह इनपुट कैपिटल का रेंट, कोई भी इस तरह की जो इनपुट की प्राइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसको, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन वो लॉन्ग रन को शिफ्ट नहीं करेगा। लॉन्ग रन के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो आई होप ये एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।